क्या कर रहे हैं यहाँ बैठ? गम भुला रहे क्या? खुशियां याद कर रहे? आज तू भी मजाक उड़ा ली, पता है कब से तुझे ढूंढ रहा था। कहाँ गायब हो गया था तू? जब भी तेरी जरूरत पड़ती है ना तू गायब ही हो जाता। माफ कर दिया, क्या करता हूँ? इतने दिनों के बाद दिशा को अपनी फैमिली से मिलने का मौका मिला था तो मैं मना नहीं कर पाया और मुझे भी जाना पड़ा। और तू तो जानता है ना किन सर्कमस्टेंसेस में हमारी शादी हुई है, इसलिए। हाँ ठीक है ना, तू निभा अपनी बीवी की जिम्मेदारी, पर वहां तेरी वो बहन मुन्नी एक नंबर की। अभी मैं तुझे कितनी बार समझा चुका हूँ, वो मुन्नी नहीं है, प्रज्ञा दी है। अगर वो तेरी प्रज्ञा दी है तो जाकर उससे बात करना, बोल उसे कि चली जाए इस घर से, मेरी जिंदगी से। एक नंबर की चालाक और धोखेबाज लड़की है वो। इस घर और पैसे पर कब्जा करने के अलावा वो मेरे घर, मेरे कमरे और मेरे पिल्लों पर भी कब्जा करना चाह रही है वो प्रज्ञा। क्या बोला तूने? प्रज्ञा। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। हमको भूत मन के डराती, पहले से ही ऐसी थी कि अभी ऐसी हुई हो। अच्छा तो तुम डरती भी हो? डरेंगे काहे नहीं, तुम भूत बन के हमको डराओगी तो डरेंगे नहीं। वे गोरी वाली भूत, मुझे तो लगा तुम किसी से नहीं डरती। और वैसे भी तुम पागल हो गई हो ना ये पैसे देख के, शानो शौकत देख के, जो अपने उन चुटका चुटकी को भी भूल गई। तुम हम बोले ना तुमको, चुटका चुटकी को हम भूलने नहीं, हमको पता है ना कि तुम लोग उन दोनों को हॉस्टल में रखी हो। हॉस्टल नहीं, हॉस्टल। और वैसे भी तुम्हें इतनी सारी चीजें पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि हम जिसके साथ जब जो चाहे वो कर सकते हैं, तो तुम्हारे बच्चे उनका खेल एक मिनट में खत्म हो सकता है। अब ऐसा कुछ तुम लोग नहीं करोगे। और ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? तुम लोग का गेम ही पलट गया है, तुम लोग अपने ही गेम में फंस गए हो, अब कहां से कुछ करोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं समझी, मतलब हम समझाते हैं तुमको। देखो पहले अभी जी को पता ही नहीं था कि हम प्रज्ञा नहीं, अब तो उनको मुन्नी का सारा सच पता है। अब काहे तुम लोग छुटका छुटकी को परेशान करोगे? और अगर तुम लोग छुटका छुटकी को कुछ भी किए तो हम क्या करेंगे, तुम तो जानती हो। क्या करोगे तुम? क्या कहना चाहती हो तुम? कहना ये चाहते हैं कि देखो, अगर हमरे छुटका छुटकी को कुछ भी हुआ ना, तो अब तक जो नहीं किया है ना, अब हम वो करेंगे। तुम लोग का तो सच हमको सब पता है, अब हम सच सबको बता देंगे और तुम लोग दोनों बुरी तरह से जाओगे फंस। तुम ये सोचना भी मत कि तुम्हारे डर से हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो करना होगा वो हम करके रहेंगे, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम ये घर अभी के अभी छोड़ के चली जाओ। तुम हमको घर से जाने के लिए बोल रही हो? हम ये घर छोड़कर तो तब तक नहीं जाएंगे जब तक छुटका छुटकी तुम हमको नहीं दे। तुम हमें धमकी दे रही हो? हाँ धमकी तो दे रहे, साफ साफ समझाए। देखो तुम हमको छुटका छुटकी दे दो, हम तुमको तुम्हारा अभिजी लौटा देंगे, और जो तुम हमको छुटका छुटकी नहीं दोगी तो अभिजी और ये घर छोड़ के हम कहीं भी नहीं जाएंगे। देखो आलिया ने तुमसे पहले ही कहा है कि अगर तुम चुप रहोगी और हमें हमारे काम में कामयाबी मिल जाएगी, तुम ये घर छोड़ के चली जाओगी, तुम्हें तुम्हारी छुटका छुटकी मिल जाएंगी, समझी तुम? हमको पागल समझियो कबे? हाँ हमारे माथा पे लिखा है कि हम पागल है, तुम लोग पे भरोसा करके हम देख ली, तुम लोग तो उल्टा हम ही को फंसा दी। अब तुम लोग का जो दोबारा भरोसा करेंगे ना, तो हम खुद ही को पागल कहलाएंगे। तनु तनु को बात नहीं समझ में आती? कहा था ना मुझे अकेला छोड़ दो। यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे अकेला छोड़ दो। वो तो नहीं होगा। हो गया पीना पिलाना सब? तुमसे मतलब? मुझे क्या मतलब, मुझे तो अपने आराम से मतलब है। मैं सोने जा रही हूँ। ओए आप, तुम मेरे बेड पर क्यों बैठी हो? सुबह सुबह तो आपको समझाया था इस बेड पे मेरा भी हक है। ये तुम्हारा बेड नहीं है, मेरा बेड है, उठे ऐसे। अरे आप कौन सा पूरे बेड पे सोने वाले? आप इधर सो जाइए, मैं उधर सो जाती। नहीं मैं ऐसे सोता हूँ, पूरे बेड पर सोऊंगा। फिर भी यहाँ जगह में यहाँ सो जाती। नहीं यहाँ पर मैं सो जाऊंगी। नहीं अरे मैंने आपको समझाया था ना कि आधे बेड पे आप सो जाइए। मैं पूरे बेड पर फैल कर सोऊंगा ऐसे। फिर भी मेरे लिए जगह, मैं भी इधर सो। तुम यहाँ पर नहीं सोगी, उठो। मैं इधर ही सो। मैंने कहा उठो। अरे मैं यही सोऊंगी।
मैंने कहा ना मैं ऐसे होंगी। ठीक है, तुम यहां सोना है ना, तुम यहां पर सो, लेकिन जो तुम चाहती हो ना वो नहीं होने वाला। क्या तुम मेरे करीब आना चाहती हो ना, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं तुम दिखती प्रज्ञा जैसी हो लेकिन तुम मेरी बीवी हो नहीं। सो जाओ ना। गुड नाइट। गुड नाइट, नॉनसेंस। ये सोफा गीला क्यों है? पानी गिर गया था गलती से। पानी गिर गया है तुमने? हो सकता है। उठो वहां से। मैं नहीं उठू। जाओ सोफे पर सो। अरे लेकिन देखिए, मैं अपनी जगह बना चुकी हूँ और आप ये इतनी सारी जगह छोड़ी है मैंने, आप सो जाइए यहाँ, मैं यहाँ सो जाती। मैं जमीन पर सोऊंगा। यार, मेरा बेड तक ले लिया, मेरा प्यारा बेड। प्रज्ञा होती तुम मुझे कभी नीचे सोने नहीं देती। प्रज्ञा कहाँ हो तुम? कुछ तो करना पड़ेगा। जानता था, मुझे पूरा विश्वास था और अब तो मैंने देख भी लिया है कि आप ही मेरी प्रज्ञा थी। और आज मैं अपनी दी से अपने दिल की एक बात शेयर करना चाहता हूं। ये जो सब इंसिडेंट सभी के साथ हो रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये सब इत्तेफाक है। कोई जानबूझ के ये सब कर रहा है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए। पूरब मुझे भी ऐसा लगता है, इसलिए मैं यहां वापस आई। यहां वापस आई हूं मतलब जो शक मुझे है वो आपको भी है। मतलब आपको पहले से पता था कि अभी को कोई हार्म करना चाहता है, लेकिन आपको ये सब कैसे पता दी? दी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। दी प्लीज मुझे बताइए कि क्या बात है। दी मैं तो हमेशा आपके सपोर्ट में खड़ा हुआ हूं, आप मुझसे कुछ मत छुपाइए। क्या बात है दी, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मुझे भी लगता है कोई तो है जो उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में मैं उन्हें एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ सकती, और अगर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे उनका गुस्सा सहना पड़ेगा तो वो भी मुझे मंजूर है। लेकिन दी आपको ये सब पता कैसे? ये सब कैसे पता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, कहां से शुरू। बाबू भाई,
अरे मैम आपने क्यों तकलीफ की, कुछ काम था तो मुझे बोल दिया। नहीं नहीं, अब तबीयत कैसी है आप? बस मैम सर की वजह से जान बच गई मेरी, अगर सर उस समय मुझे हॉस्पिटल ना लेके आए होते तो ना जाने क्या होता मेरा। एक्चुअली बाबू भाई मैं उसी दिन के बारे में बात करने आई, उस दिन एग्जैक्टली हुआ क्या था? मैम सर उस दिन थोड़ा गुस्से में थे तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो और गाड़ी को हाईवे की तरफ ले लो, गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी और सर को वहाँ एक कॉफी शॉप दिख गई थी तो वो वहाँ चले गए थे। मैं अपना गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा था, रात का वक्त था और ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, अचानक से एक ट्रक की आवाज आई और मैंने देखा कि वो ट्रक मेरे इतने करीब आ चुका था कि जब तक मैं साइड में होता वो मेरे साथ साथ गाड़ी को भी उड़ा गया। गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी थी? गाड़ी तो सड़क के बिल्कुल साइड में खड़ी थी और जैसे कि मैंने कहा कि उस रात ट्रैफिक भी नहीं था। ट्रैफिक नहीं था मतलब सड़क पे काफी जगह थी उस ट्रक के जाने के लिए, फिर भी बाकी गाड़ी की तरफ। मैं उस एक्सीडेंट के बारे में जितनी बार भी सोचता हूँ तो हर बार ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो एक्सीडेंट हुआ नहीं करवाया गया था, और ये बात मैंने सर को भी बताई थी पर आप तो जानते हैं कि सर इन बातों को नहीं मानते। मैं मुझे लगता है वो ट्रक उस सड़क पे हमारी गाड़ी ठोकने के लिए आया था और जरूर अभी सर को मारना चाहता था। अब इनकी सेफ्टी के लिए मेरा जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो है कौन जो ये सब करवा रहा है। मैं मुझे लगता है वो ट्रक उस सड़क पे हमारी गाड़ी ठोकने के लिए आया था और जरूर अभी सर को मारना चाहता था। मैं इन्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, मुझे कुछ भी करके इनके साथ जाना होगा, इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। पता नहीं पूरब दिशा के पास पहुंचा भी या नहीं, आई होप दिशा ठीक हो। क्या है? दिन है और क्या है? तो दिख रहा है लेकिन तुम मेरे गाड़ी के पास क्यों खड़ी? आप बाहर जा रहे हैं? हाँ तो मैं भी बाहर जा रही हूँ। तो जाओ ना, किसने रोका? रिक्शा रुको। नहीं नहीं नहीं, आप मुझे छोड़ दीजिए। और मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? आप पति है ना और मैं पत्नी हूँ, तो पत्नी को बाहर जाना होता है तो पति ही छोड़ता है। अरे फरेबी, मैं पति हूँ तुम पत्नी हो? कोई पति पति नहीं हूँ मैं तुम्हारा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें कहीं छोड़ने नहीं वाला, हटो साइड में। अरे छोड़ दीजिए ना, बहुत जरूरी काम है मेरा। इसको क्या काम है इतना जरूरी? जैसे क्या काम से जा रही हो? अपॉइंटमेंट है, ब्यूटी पार्लर का अपॉइंटमेंट है। ब्यूटी पार्लर अपॉइंटमेंट? हाँ, मतलब मेकअप लगाना है, सुंदर दिखना है, फेशियल भी करना है। कोई फायदा नहीं है उसका, तुम लास्ट कोशिश कर लो, जितना मेकअप चाहिए थोप लो, लेकिन तुम मेरी बीवी जितनी सुशील सुंदर और साफ दिल की नहीं लगोगी, इसलिए हटो बाजू में, क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाने वाला। क्यों नहीं लेके जाने वाला? क्योंकि मैं कहीं और जा रहा हूँ अपने डिजाइनर के पास, मेरी फिटिंग से, ट्रायल से, ओके? ओ, पैंडा में ना, ब्यूटी पार्लर सेंटर क्लोज में, रास्ते में पड़ेगा, आप छोड़ दो। रास्ते में तो जो भी पड़ता है लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाने वाला, अब हटो साइड में, जाने दो मुझे। कर क्या रही हो? चल चलिए, मतलब बाहर निकलो। मैं नहीं निकलूंगी। मैंने कहा बाहर निकलो। नहीं, नहीं निकलूंगी। अब मत तुम। बाहर निकलो। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। बाहर निकलो। मैं नहीं। बाहर निकलो। नहीं। हेलो हेलो मिस्टर अभी, सर राजकुमार बोल रहा हूँ। अच्छा सर, आपके ड्रेसेस बिल्कुल रेडी हैं, तो आप जल्दी आ जाइए और ट्राई करना सर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्राई नहीं करेंगे तो फिर एंड मोमेंट में सर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ। सर अच्छा, टाइम कम है क्योंकि हमारे जो मास्टर जी हैं ना, उन्होंने मिस्टर खान के पास जाना है, फिर उसके बाद वो अवेलेबल नहीं है, तो आप प्लीज़ सर जल्दी आ जाइए। मैंने कहा ना मैं पहुँच रहा हूँ। ओके बाय। इस चिपक अली का क्या करूँ, वो वहाँ वेट नहीं कर रहा और ये चिपकली मेरे साथ ऐसी चिपकी हुई है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही। सुहारा की बच्ची, आगे से तुझे भी कुछ हुआ ना तो तेरे फियांसे को ऐसे ही फोन करके परेशान करूंगी। ओहो दीदी बस करो ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया जीजू को कॉल करके, तुम्हें पता है मेरे कॉल पे भागे चले आ रहे हैं वो। तुम्हारा ध्यान रखने, अपना सारा काम छोड़कर वो कुछ भी हो पर तू नहीं बचेगी, देख लेना। दिशा कहाँ हो तुम? दिशा, दिशा क्या हुआ? दिशा तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? डॉक्टर को बुलाया? आप प्लीज टेंशन मत लीजिए पूरब जी, आप बैठिए, देखिए कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी चोट आई है। दिशा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है अपना थोड़ा ध्यान रखा करो, केयरफुल रहा करो, लेकिन तुम सुनती नहीं है। मैं रखती हूँ ना अपना ध्यान। अरे वाह जीजू, इतनी केयर इतना प्यार, हाँ मेरे एक कॉल करते ही भागे चले आ गए।
तुम दोनों ना कितना भी छुपा लो कि तुम लोगों के बीच में प्यार नहीं है, पर दिखते एकदम लव बर्ड्स हो। और तुम लोगों को पता है, तुम लोग दोनों ना ड्रेस भी एकदम मैचिंग मैचिंग पहन रखी है, देखो। ओके मम्मा, आई। मतलब मैं कहाँ जाऊंगी? कहीं पर भी जाओ, मुझे क्या है, जानू में जाओ। जानू में नहीं जाना, मुझे तो आपके साथ जाना। पकली, तुम कहीं नहीं आओगी, तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं कपड़े देखने जा रहा हूँ। ओके, क्या ये? अब तुम हक क्या जमा रही हो, बीवी हो क्या? हाँ, मैं जा रहा हूँ, गाड़ी में कोई छेड़छाड़ मत करना। ओके, आप जाइए तो सही, आपको देर हो रही है। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे जाना है क्या नहीं जाना है? मत जाइए, मैं तुम्हें आके देखता हूँ। देख लीजिएगा, वही तो मैं चाहती हूँ। अभी गाड़ी के अंदर बैठा हो और उसके साथ उसकी बीवी भी है मैडम। कोई बात नहीं, कुछ आखिरी पल बचे हैं इसके, बात कर लेने दो इसे अपनी बीवी के साथ। मैं चलती हूँ आपके साथ ना, तो आप देखते रहिएगा। सवाल ही नहीं उठता है, मैं जा रहा हूँ। अरे लेकिन आप मुझे छिपकली बोलते ना, तो मैं आपके साथ चिपक के चलती हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करो ना, गाड़ी पे चिपक जाओ, हैं? चिपकली। अरे लेकिन आप मेरी बात, मैं कब तक इन पर नजर रखूंगी, ये कभी ना कभी मेरे बगैर कहीं जाएंगे और तब कुछ हो गया तो। बाबू भाई को किसी तरह उस ट्रक का नंबर याद आ गया तो बहुत मदद हो जाएगी। कौन है वो जो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है? वो गाड़ी के बाहर आ गया है और डिजाइनर स्टूडियो की तरफ जा रहा है। तो तुम इंतजार किस बात का कर रहे हो? शूट हिम। मुझे पता है मुझे अपना काम कैसे करना है, और मैं ये काम भी बहुत अच्छे से करूंगा। ओके, जस्ट डू इट। ये पागल लड़की मेरे कार के साथ क्या कर रही? इस बात का वेट कर रहे हो, जल्दी मारो उसे। मैं बार बार उसका कोई ना कोई फैन उसके आसपास आ रहा है, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसे मार दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए मैडम। अभी रॉक स्टार, गुड बाय। तुम्हें कहा था ना गाड़ी के साथ छेड़छाड़ नहीं करें। तो मैं ओह नो, ये क्या है? कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है, आप नीचे रहिए, गनशॉट था वो, अंदर जाओ। गनशॉट? लेकिन कोई मुझे क्यों मारेगा? मुझे नहीं पता, बस आप ऊपर मत होइए, नीचे रहिए ना। आपने अगर सर ऊंचा किया ना तो आप देख लेना। तुमने फिर से मिस कर दिया टारगेट। मेरा टारगेट उसी पर था, मुझे क्या पता कि वो झुक जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? डोंट वरी मैडम, अगर वो झुका है तो कभी ना कभी तो ऊपर उठेगा ही, और वो जैसे उसका सर ऊपर उठाएगा अब मैं उसे गोली मार दूंगा। ये तो रॉकस्टार अभी है, ये सर झुका के क्यों बैठा है? शायद इसी को किसी ने मारने की कोशिश की है। अरे यार, ये तो सचमुच का रॉकस्टार है, अभी है यार। आप नीचे रखिए, मैं देखती हूं कि कौन है वो जो गोली चला। रुको, तुम करने क्या वाली? मुझे नहीं पता, मुझे देख लीजिए कि वो है कौन। आप सर नीचे रखिए प्लीज। आराम से संभाल के, ये लो, अभी कर दी तूने गलती, अब तू गया। मेरे ख्याल से हमें गाड़ी में ही रुकना चाहिए, इतनी भीड़ है, थोड़े टाइम में वो खुद ही चला जाएगा। नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रुक सकते, भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो आपको मारना चाहता है तो वो यहाँ आकर भी आपको मार सकता है ना, हमें कुछ और करना होगा जिससे वो यहाँ से भाग जाए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं जिससे कि वो भाग जाए? ऐसा करती हूँ मैम, मैं
वो आपको मारना चाहता है, वो मुझे कुछ नहीं करेगा। मैं झांकती हूँ और आपको बताती हूँ, आप गाड़ी उसकी तरफ ही लेकर चलिए। तुम पागल हो गई हो क्या? क्या चाहती हो तुम? मैं कहूँ कि आप बैल मुझे मार या शेर के मुंह में हाथ डाल दो? मुझे तो लगता है इस प्लान में तुम भी इन्वॉल्व हो। वो मुझे नहीं मार पाया तो तुम मुझे उसके पास ले जा रही हो है? अरे आप क्या सोच रहे हैं? देखिए वो अभी सोच रहा है कि हम उससे दूर भागेंगे, वो एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो हमारा पीछा करेगा। अगर हम उसकी तरफ जाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और जैसे हम उसके पास पहुंचेंगे मैं आपको इंडिकेट कर दूंगी, आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा लीजिएगा और हम भाग जाएंगे। कैसा लगा प्लान? व्हाट एन आईडिया मैडम जी, प्लान तो बहुत ही बढ़िया है। तुम्हारा दिमाग तो कुछ ज्यादा ही चलता है। तुम हॉलीवुड पिक्चर क्यों नहीं लिखती? आप ऐसे आराम से क्यों बैठ गए? हॉलीवुड पिक्चर मतलब मजाक कर रहे हैं आप? यहाँ जान पे बनाई है आपके। आप नीचे रहिए सर, मत उछलो, मैं आगे जाती हूँ। ओके अब बोलो। एक मिनट, गाड़ी तो स्टार्ट कीजिए। गाड़ी आगे नहीं जा रही है? नहीं। ओ गॉड जी, आजा 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 आजा। क्या हुआ तुम दोनों को? हाँ ब्रेकफास्ट टेबल पर क्यों नहीं आई? सब ठीक तो है ना? किस मुंह से आते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पे? आपको तो पता है ना जो कुछ हुआ था वहां पर। हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे मिताली भाभी। अच्छा हुआ आप ये सब कुछ यहीं पर ले आए। किस मुंह से जाए ब्रेकफास्ट टेबल समझ नहीं आ रहा है। मैं अरमानों के साथ तो मुन्नी को घर से बाहर निकाला था, लेकिन नहीं आ गए वापस उल्टे पाओ। आला बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर हम नीचे आते तो पूरी फैमिली हम पर गुस्सा उतारती, क्योंकि मुन्नी को तो हम ही लेके आए ना। हम उन्हें लगता कि जो कुछ भी हो रहा है सब हमारी वजह से हो रहा है। मुझे लगा मुन्नी इस घर से जाएगी तो मैं फिर से अभी के करीब आ जाऊंगी, पर नहीं, वो मौका भी हाथ से चला गया। और फिर आप चलो बस, हर बार अपने बारे में सोच के ना करो। कितना बुरा हुआ ना तुम दोनों के साथ में। ये तो वही बात हो गई, मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं। क्या मतलब है आपका? मतलब कुछ नहीं है, ये तो बस एक मुहावरा है, बस वही बोला मैंने। ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि वो मुन्नी है कहाँ? वो घर पर नहीं है। क्यों कहाँ गए? वो तो अभी के साथ में गाड़ी में बैठकर कहीं गई है। क्या वो अभी के साथ गई और अभी उसे साथ में लेके गया? तो मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब हम में से कोई कुछ नहीं कर सकता है। वो क्या है ना तनु, अब अभी प्रज्ञा को बहुत मिस कर रहा है और वो मुन्नी उसकी शक्ल तो हूबहू प्रज्ञा जैसी है। फिसल गया होगा। तुम्हारा तो पत्ता ओ पुत्र, अब बता क्या होगा? ये लड़की कौन है? ये सब क्या है? दादी मैं वो अपने डिजाइनर के पास जा रहा था और साथ में मेरे मुन्नी भी थी। अब ये मत पूछना कि मुन्नी कैसे थी। और जब मैं डिजाइनर शॉप से वापस आ रहा था तब किसी ने मुझ पर गोली चलाई और इसने मेरी जान बचाई। गोली जाकर सीधे पीछे एक बोर्ड पर लग गया। तो तू ठीक है सर? हाँ दादी मैं ठीक हूँ। उसके बाद हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। बहुत लोग जमा हो गए थे वहां पर और फिर उसी लड़की ने आकर हमें बचाया और आकर मेरी गाड़ी से टकरा गई। तेरा लख लख शुक्र है सब कुछ ठीक हो। भाई आपके ऊपर इतना बड़ा अटैक हो गया और आप इसे इतनी लाइटली ले रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था आपको जेड प्लस सिक्योरिटी ले लेनी चाहिए थी, आपने पुलिस को भी नहीं इन्फॉर्म किया। इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। हेलो मिस्टर अभी। थैंक यू डॉक्टर, आप इतने कम नोटिस पर यहाँ पर आ गए, थैंक यू सो मच। दैट्स ओके। पेशेंट कहाँ है और क्या हुआ है उसको? पेशेंट अंदर ही है, उनका एक्सीडेंट हुआ, मेरी गाड़ी से टकरा गई थी। मैं सोचा उसे हॉस्पिटल ले जाओ लेकिन वहाँ पर खामखा बहुत प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। मैं एक बार पेशेंट को चेक कर लेती हूँ। प्लीज डॉक्टर आप चाहिए। ओ पुत्र तू बहुत चंगा कीता, इन्हू कर लाया अंदर। कितनी परेशानियां है घर में, और परेशानी बढ़ जाती तो कितनी मुश्किल होती। शुक्र है बच गई कुड़ी। दिखा लिया
ये मुन्नी और प्रज्ञा कितनी चालाक है। तुम पुलिस प्रोटेक्शन की बात कर रही थी, इसने ऑलरेडी सब कुछ मैनेज कर लिया। पुत्र तू भी इतना घबराया हुआ है, जाके आराम कर, हाथ मुंह धो। मैं रॉबर्ट को बोलती हूँ तेरे लिए चाय लेके आएगा या कॉफी लेके आएगा। डॉक्टर को तो आने दो, उसके बाद मैं जाता हूँ। आप रुके प्लीज। ओ तू जा, हम देख लेंगे ना। हे भगवान, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, इसने इनकी जान बचाई है। प्लीज प्लीज इन्हें ठीक कर दो। बेटा जी कैसी है आप लड़की? हाँ वो पहले से बेटर है। ठीक है ना, शुक्र। ये लीजिए प्रिस्क्रिप्शन, आप ये मेडिसिन्स मंगा लीजिए और तुरंत डोज स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं मिल सकती हूँ? हाँ जी आप उनसे मिल सकती हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और अब मैं निकलती हूँ, मेरे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। थैंक यू। दीदी मुन्नी कुछ ज्यादा ही अच्छे बनने की कोशिश नहीं कर रही? एक्टिंग कर रही है, एक्टिंग। जितनी अच्छी एक्टिंग करेगी ना उतना ही ये सोचती है कि हम उसे जल्दी अपना लेंगे, पर हम ऐसा करने वाले नहीं है। वैसे भी ना हमारी प्रज्ञा जैसे तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक कह रही है तू। बेटर लग रहा है? हाँ आराम से, आराम से। कौन है? मैं प्रज्ञा, तुम्हारा नाम? मेरा नाम सिमोनिका है। मैं आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? मैं प्रज्ञा, वो मिस्टर अभिषेक मेहरा जिनका ये घर है, मैं उनकी वाइफ हूँ। हमारी गाड़ी से ही आपको चोट लगी थी? नहीं नहीं एक्चुअली वो तो मैं गलती से आपकी गाड़ी के आगे आ गई, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं प्लीज आप पैसे गिल्टी मत फील कीजिए, आपने जो किया बिल्कुल ठीक है। एक मिनट मैं पानी लेकर आती हूँ। थैंक यू मैम। नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। अब प्लीज रेस्ट करो। सुन लिया? नहीं पूरी बात नहीं सुन पाई। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बोल देती हूँ ना, ऐसे चुप चुप के सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे क्या देख रही? जाके सूप बना कर लाई है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आप मिताली भाभी, अब वो लड़की कैसी है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? मेरा मतलब है कि मुझे नहीं पता, मैं तो यही थी बाहर, अंदर तो ये थी, वो यही बातें कर रही थी उससे, तो इससे ज्यादा पता होगा। बेटर है अभी, उसे होश आ गया। जा रही हूँ मैं। होश आ गया उसे, वो ठीक तो है, लेकिन थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसका कोई जॉब इंटरव्यू था जो एक्सीडेंट की वजह से मिस हो गया, तो मैंने उसे आपकी सेक्रेटरी की नौकरी दे दी। मेरी सेक्रेटरी? हाँ, देखिए आपको मदद की तो जरूरत पड़ती है ना, वो आपका सारा काम देख लेगी, आपके अपॉइंटमेंट्स लाइन अप कर देगी। अब पूरब भी यहाँ नहीं है तो कोई तो होना चाहिए ना आपके काम को देखने के लिए, फिर उसने जान बचाई है आपकी, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना उसके लिए। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।